सुबह सूरज नया होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो यदि आप लोग यहाँ नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ होम मेकिंग से रिलेटेड रेसिपी वीडियोस, कभी कभी घर के डेकोरेशन या फिर कुछ ओकेजन वाइज फेस्टिवल वगैरह के वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो यदि आप लोग मेरे सफ़र में मेरे साथी बनना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और ये है मॉर्निंग का टाइम, तो बस मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पर सबका नाश्ता हो जाने के बाद मेरे बच्चे ने डिमांड रखी थी कि उसे पूड़ियाँ खाना है, तो उसके लिए मैं पूड़ी बना रही थी। अविक को कढ़ाई की पूड़ी बहुत पसंद है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते अभी उसके चल रहे हैं ठाट बाट। वो जैसा बोल रहा है हम वैसा ही कर रहे हैं। वो बना हुआ है मदारी और हम बने हुए हैं उसके बंदर। वो जैसा नचा रहा है हम उसके इशारों पे वैसे ही नाच रहे हैं। तो यहाँ मैंने आटा वगैरह गूंथ लिया था और थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशंस जो करना था वो कर रही थी, किचन विचन क्लीन कर रही थी साथ साथ में, ताकि पूड़ियाँ बनाने में मुझे आसानी हो जाए। हालांकि मुझे सिर्फ उसके ही पूर्ति पूड़ियाँ बनानी थी, चार या पांच, लेकिन फिर भी क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। फिर उसको फटाफट से गोल गोल फूली फूली पूड़ियाँ बना बना कर दी नाश्ते करने के लिए। पूड़ी को आसानी से वो सॉस या फिर कभी कभी दही के साथ खा लेता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इशू नहीं जाता। तो पूड़ी को मैंने उसको सॉस के साथ दे दिया, टमाटो केचप के साथ। और यहाँ बैठ गई थी मैं पूजा करने। तो सबसे पहले मंदिर की क्लीनिंग वगैरह करना, सारे फूलों को उठाना और उसके बाद फ्रेश लाए हुए फ्लावर्स को भगवान जी को चढ़ाना। और यहाँ आप नोटिस करेंगे कि मैंने फिर से ठाकुर जी के कपड़े बदल दिए हैं आज। यहाँ पे फिर मैं फूल चढ़ा रही थी सभी ठाकुर जी को। अभी कुछ फूल ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे, तो फिर मैं ऐसे छोटा सा कुछ भी लिख दे रही थी जिससे कि भगवान का नाम भी मुख से निकले। तो मैंने आज लिखा था श्री हरि। और हाँ, मैं जानती हूँ मात्रा की गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि लिखने में इतनी जल्दबाजी हो रही थी मुझे कि मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला। और आधा लिख देने के बाद पता नहीं मैं किस धुन में थी, मुझे ध्यान में आया कि मैंने ये मात्रा गलत लगा दी, लेकिन फिर मैंने उसे वैसा ही रहने दिया। खाने में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। लंच में हमने डिसाइड किया था कि मैं मलाई कोफ्ता बना लेती हूँ, क्योंकि यदि मैं कुछ स्पेशल सब्जी बना रही होती हूँ ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि दाल चावल ना बनाऊँ, क्योंकि दाल चावल भी साथ में यदि बना लेते हैं ना, तो वो सब्जी का सब लोग मज़ा नहीं ले पाते, एक लिमिटेड उससे सब खाना खाते हैं। तो इसलिए मैंने, अगर मैं कुछ स्पेशल सब्जी बनाती हूँ तो उसके साथ में दाल चावल वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने मलाई कोफ्ते के लिए आलू किस के रख लिए थे और साथ साथ में ही थोड़ी बहुत जो भी बर्तन होते हैं वो धो लेती हूँ ताकि ज़्यादा इकट्ठे ना हो। और यहाँ ग्रेवी की भी उसके साथ ही तैयारी कर रही थी मैं। सब्जी स्पेशल थी तो रोटियाँ भी स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने सबके लिए आज लच्छे पराठे बनाना डिसाइड किया था और एक एक सबको लच्छे पराठे ही सर्व किए। बाद में सब लोगों ने जैसे लगा सादा पराठा या सादी रोटी वो ले ली थी। तो बस ये थे, सब लोग जिम के जा चुके थे। अब मैं अकेले बैठ के यहाँ पे जिम रही थी फटाफट से, मतलब अकेले भी नहीं बैठी थी, बैठे थे शायद संकेत मेरे साथ में। फिर मैं ना सब काम वाम निपटा के आ जाती हूँ थोड़ी देर ऊपर, और ये वो टाइम होता है आफ्टरनून का जब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और थोड़ी देर अपना आगे जो भी मुझे वीडियो शूट करना है या जैसी भी प्लानिंग करनी है उसकी तैयारी करती हूँ। लेकिन उसकी तैयारी के पहले भी मुझे ऊपर आके ना कमरा वगैरह समेटना होता है, क्योंकि हेल्पर आके तभी गई हुई होती है, तो पूरे झाड़ू पोछा वगैरह लगाना करना ये सब हुआ हुआ रहता है। तो कालीन वगैरह बिछाना, रनर्स को जगह पर रखना, तो एक दिन पहले के कपड़े जमाना, ये सब तो मैंने ड्यू रख दिया था। बस फिर वीडियो शूट किया एक, जो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे आ चुका है, और फिर मैं समेटने लगी थी। पता है वीडियो शूट करना तो भी इजी है, लेकिन उसके बाद जो मैस
क्रिएट होता है ना, उसको क्लीन करने में जो भाई साहब मौत आती है ना, उसको मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ। और जो लोग हमें जज करते हैं वो तो पता नहीं उनको क्या ही लगता है, वो जज करके चले जाते हैं लेकिन उनको मेहनत कभी नहीं दिखती। खैर छोड़िए, मुझे किसी को कुछ दिखाना भी नहीं है और ना ही कोई स्पष्टीकरण देने के मैं किसी भी मूड में हूँ, क्योंकि ये मेरा कल का दिन ना बहुत ही ज़्यादा उदासियों से भरा हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, बस मैं काम करती जा रही थी, मुझे कोई भी काम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही थी। और इतने दिनों से ना कुछ घर में बहुत काम चल रहा था, मतलब मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा पुरा रहा था, तो मैं ऊपर रूम में ध्यान नहीं दे रही थी, बस जो भी कपड़े पहन के जाती थी तो वो ऐसे की ऐसे ला के रख देती थी। तो फिर कल फाइनली मैंने उनको फोल्ड करके सब अलमारियों वगैरह में लगाना चालू किया, तो यहाँ वही मैं वो काम कर रही थी। और पता है जो ऐसी पतली साड़ियाँ होती है ना जिनकी प्रेस जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि उनको ना पेपर में ही रख कर अलमारी में रखूँ, जिससे कि वो दूसरे साड़ियाँ निकालने में उसकी प्रेस ख़राब ना हो। और आई नो मेरी अलमारी अभी बहुत मैसी लग रही है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से इसको ना क्लीन करने का, जमाने का टाइम ही नहीं मिला। अब जल्द ही मैं इसको क्लीन करके जमाऊंगी और आप लोगों से भी शेयर करूंगी मेरे साड़ियों का कलेक्शन, क्योंकि मुझे उस पर भी एक वीडियो बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था कि माँ कहीं बाहर गई थी, तो माँ पुणे गई थी, वहाँ से देखिए मेरे लिए कितना क्यूट क्लचर लेके आई हैं। और मैं ना अधिकतर बालों में बनाना क्लिप्स ही लगाती हूँ, तो वो देखिए कितने प्यारे प्यारे बनाना क्लिप भी लेके आई हैं दो मेरे लिए। वो कहीं भी जाती है ना तो बहुत सारी शॉपिंग करके आती है वहाँ से हमारे लिए, स्पेसिफिकली मेरे लिए और मेरे सिस्टर इन लॉ के लिए, हमारी आधी से ज़्यादा शॉपिंग वही करके आ जाती है, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ों की लिंक भी नहीं दे पाती। और ये एक नए तरीके का चूड़ा है जो कि ना मुझे बहुत पसंद आया, इस पर कपड़ा पूरा जो बड़े कड़े हैं इस पर वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ है और आजू बाजू थ्रेड की चूड़ियाँ हैं, इस पर कुंदन के स्टोन चिपके हैं और जो बड़े कड़ा है उस पर जरदोजी के फूल लगे हुए हैं। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, यूनिक भी है, नया भी है, ट्रेंडी भी है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया, वो मेरे लिए ये भी लेके आई हैं। तो बस अब इनको भी व्यवस्थित रखना था, क्योंकि अभी तो उनके बैग खुले थे, अब मेरे को जमाना तो पड़ेगा ना मेरा सामान भी, तो मैं उसे भी सब चीज़ों को व्यवस्थित जमा रही थी यहाँ पर। मैं नीचे आ गई थी और ये एक ना नए स्टाइल का ऐसा पटा भी लेके आई है माँ, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। मतलब अभी तक चौकियाँ रहती थी जो सिल्वर वगैरह प्लेटेड वाली आ रही हैं, लेकिन ये लकड़ी का और बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर शाम की दिया बत्ती करी थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स के लिए, जो मैंने आपसे पीछे शेयर किया है, वैसा कुछ शंकर जी की मूर्ति पर धूप बत्ती लगाई। और फिर मैं यहाँ डिनर की प्रिपरेशन करने लग गई थी। मैंने डिनर में बनाई थी कढ़ी और घोटी हुई खिचड़ी और बनाई थी बड़ी की सब्जी, तो बस उसकी ही प्रिपरेशन यहाँ मैं कर रही थी डिनर की। शायद मैंने आपसे पहले कभी शेयर नहीं की होगी ये बात, हमारे यहाँ ना फलके बनाने के लिए सिर्फ रोटियाँ बनाने के लिए एक आंटी आती हैं, तो वो सिर्फ रोटी बना के जाती हैं। तो आंटी आ गई थी, वो उनका काम कर रही थी, तब तक मैंने सोचा कि अभी सबको जीवने में टाइम है, तो थोड़ा सा जो मेरा स्क्रिप्ट वगैरह लिखने का ड्यू काम है और कुछ मुझे नोट्स भी बनाने थे आगे आने वाले मोदक सीरीज़ के लिए, तो मैं उसके थोड़ी सी प्रिपरेशन करने यहाँ बैठ गई। ऐसे ही ना पता है कुछ कुछ दिन ना अपने आप में बहुत वियर्ड होते हैं, अपने आप में इतनी सारी उदासियां भरे हुए होते हैं कि हम चाहकर भी उसको पॉजिटिव नहीं कर पाते। ऐसे दिनों को ना बस शांति से बीत जाने देना चाहिए कि वो बस
बीत जाए, क्योंकि हर सुबह नई होती है, हर सुबह सूरज नया होता है, और सूरज अपनी रोशनी के साथ बहुत सारी नई उम्मीदें और नई आशाएं की किरण लेके आता है। तो बस ऐसा ही आज का दिन था, कुछ वियर्ड सा था, बट ठीक है, दिन बीत गया। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लूंगी। ये छोटा मोटा जो ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव दिशा में लेके जाए। बाय-बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। राधे राधे।